हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको ये फिगर दी होगी, तो आपने क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो x यहाँ पे है, ये एंगल 120 का है, ये 130 का, ये 50 डिग्री का। तो हमें पता है ये जी है क्या, एक क्वाड्रिलेटर ना, तो क्वाड्रिलेटर के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं उसका सम किसके इक्वल होता है, 360 के। मतलब इन चारों को प्लस करूँगी तो मैं वो किसके इक्वल आएगा, 360 के। तो 50 डिग्री प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, इनको प्लस किया तो ये आ गया 300, प्लस में क्या है, एक्स इज इक्वल टू 360। तो अब एक्स तो इसमें प्लस होएगा नहीं, तो एक्स को हम इधर ही रहने देते हैं, यहाँ से ऐसे 360, एक्स इधर ही रहा, 360 में से आप माइनस कर दो 300 डिग्री, तो एक्स कितना आ गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ये आपको फिगर दी है ऐसे जिसमें तीन एंगल, एक एंगल एक से, एक 70 डिग्री, एक 60 डिग्री। तो अब इसमें क्या है, मेरे पास एक्स भी मैंने निकालना है, पर ये एंगल भी नहीं, अगर ये एंगल होता तो एक्स निकल जाना था ना। पर इसमें क्या होगा, ये एंगल तो नहीं गिवन, पर इसके जो बाहर वाला एंगल ये मेरे को गिवन है, ये कितना है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, फिर वो हम फाइंड करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब ऐसे एक सीधी लाइन होती है, ये तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन इसको मैं अगर ऐसे देखूँ ये कितने का होगा, लीनियर पेयर, जैसे आपकी डी नहीं होती, डी ऐसे ही होती है ना, तो ये पूरी क्या बनती है डी, ये तो इधर वाली लाइन भी 180 होती है, इधर वाली मतलब उस ये पूरा एंगल 180 का है। तो यहाँ पे मान लो ये पूरा एंगल कितना है, 180 का। तो इस 180 में से मैं ये 90 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये एंगल निकल आएगा, तो इसको नाम दे दो एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में रीजन दे दोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आया, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जो एंगल 1 था वो 90 डिग्री निकल आया, तो अब ये x निकल आएगा जब तीनों को प्लस करेंगे। देयरफॉर सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सभी को प्लस करके आपने इनको प्लस करके ये आ जाएगा, उसको इधर भेज देना तो x की वैल्यू आ जाएगी।